एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानी खुर्द में स्थित किशोरी गांव पड़ा। लगभग 2100 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुनील कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशालाओं में 95 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 35 हैंडपंप पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के तहत लगवाए गए हैं। वहीं 40 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं तथा कुछ और पोल भी ट्रांसफार्मर लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड नाली निर्माण तथा 65 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 25 सोलर लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र तथा 25 शौचालयों के निर्माण की मांग केंद्र सरकार से की है। मैं सुनील कुमार, ग्राम प्रधान की शहरी विकास खंड जानी खुर्द मेरठ। और जी हमारे गांव में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। वैसे तो 2 साल के अंदर इंटरलॉक टाइल लगी है, नाड़ियाँ के निर्माण हुए हैं, मगर अभी बहुत ज़्यादा समस्या है। गाँव में रखती हूँ, स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारा। गाँव में कोई पंचायत घर नहीं है। और जी खड़े नाड़ियाँ भी काफ़ी ख़राब हैं, उनमें पानी भरा हुआ रहा है हर वक्त। 64 लैटरिन आई थी हमारे गांव में, वे सब निर्माण करवा दिया उनका। स्कूल में जो है टंकी लगवा दी है, समर सेविल करवा दिए हैं।